हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख रहे हैं कस्टमाइज ग्राफिक मॉडिफिकेशन। तो आज हम लोग कुछ डिटेल वीडियो बनाने जा रहे हैं इग्नाइटर के ऊपर, जो मॉडिफिकेशन किए थे, और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लॉग भी एंजॉय करिए हमारा, यहाँ आ रहे सुंदर की साउंड भी एंजॉय करिए। देख रहे हैं कस्टमाइज ग्राफिक मॉडिफिकेशन। तो आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं इग्नाइटर के ऊपर मॉडिफिकेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, इग्नाइटर के ऊपर मॉडिफिकेशन लेके आए हैं। जो हमने इग्नाइटर के ऊपर मॉडिफिकेशन किया है, चार पांच मॉडिफिकेशन है, तो ये हम आपको पूरा दिखा देंगे। तो इस पर सबसे पहले हमने किया स्मोक ब्लैक, जैसे कि आप देख सकते हैं टिल्ट रहता है, थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक लुक आता है इस पर। हेडर डिम सब जलेगा, ये देखिए के अलग अलग फीचर्स हैं। ये बल्ब जो इसके अंदर लगा, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 350 रुपये इसकी कॉस्टिंग रहती है गाइस। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, इजीली मार्केट पे अवेलेबल होता है। और साथ ही साथ इसमें हमने हॉर्न लगाए हैं, मेगासोनिक है रूट्स के, और इसमें हमने ग्राफिक्स किए हैं मर्सिडीज लोगो, तो ये थोड़ा सा लुक इन्हांस करता है। इसकी भी साउंड बहुत अच्छी है, तो आप देख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग इसको स्कॉर्पियो वगैरह पे यूज़ करते हैं, स्कॉर्पियो बुलेरो ये सब, तो बाइक पे भी अभी बहुत चलने लग गया है, खास करके स्प्लेंडर पे ज़्यादा चलता है, स्प्लेंडर और बुलेट पे। हमने इसे इग्नाइटर पर भी इंस्टॉल किया है, तो इस पर आपको पीसा लाइट भी मिल जाएगी, जो कि आपको आगे से दिखेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये रेड ब्लू पीसा लाइट भी बोलते हैं बहुत जन, लेकिन हम लोग तो स्टॉप लाइट बोल के ही मंगाते हैं। तो अब जैसा जो बोल सके, कोई पीसा लाइट बोलता है, कोई स्टॉप लाइट, ये ऑलमोस्ट पीसा लाइट नहीं रहती है, इसको हम लोग स्टॉक लाइट ही बोलते हैं। बाकी इसमें हैजार्ड लगा हुआ है, 18 टाइम्स अलग अलग तरीके से ब्लैंकर वर्क करेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं गाइस। जितनी बार हम लोग स्विच ऑन ऑफ करेंगे, ये उतनी बार गाइस चेंज होते जाएगा। तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, तो इसकी जो वायरिंग है मैंने आपको बता दी है, वो आपको आई लिंक पे यहाँ पे शो कर दी होगी वीडियो। RX100 पे हमने इंस्टॉल किया था, आप उसे कोई भी बाइक पे इंस्टॉल कर सकते हैं, आई होप बहुत ही इजी है वो इंस्टॉल करना, तो आप कोई भी बाइक पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर सबसे ज़्यादा करें। और इसमें और भी कुछ मॉडिफिकेशन है जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, नॉर्मल जो बाइक का साइलेंसर आता है वो नॉर्मली लगा रहता है, तो ये बाइक का जो मॉडिफिकेशन ये किया हुआ है कि इसको साइलेंसर जो है इजीली निकल जाए और दूसरा साइलेंसर लग जाए। जिस भाई की ये बाइक है वो थोड़ा सा स्टंट वगैरह जो है थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये भी रखा है, और नॉर्मल जो बाइक के साइलेंसर है उसको भी रखा है। तो इसकी जो बाइक की स्टंट की दो चार वीडियो है मैं आपको लास्ट पे वीडियो पर दिखा दूँगा। चलिए गाइस,